शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत हुआ यह कविता सीखने वाले हैं। देखो आपने कविता पढ़ी ही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे चित्र। देखिए बाहर बारिश हो रही है, एक इंसान छाता लेके जा रहा है, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। ये कुत्ता है, अपने शरीर में से पानी झाड़ रहा है। उसके बाद एक लड़की है, कागज़ की जो नाव होती है वो पानी के टब में डाल रही है। कुछ बच्चे लूडो खेल रहे हैं। छत की जो घर की जो छत है, छत में से पानी टपक रहा है। एक बच्चा छाता लेकर खड़ा है। और देखो इधर क्या है, एक बिल्ली है। वो बिल्ली क्या कर रही है, वो अभी भीगी हुई है और अंदर घर के अंदर झांक रही है। तो देखो, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। बादल भैया बहुत हुआ मतलब बच्चे कहते हैं कि अभी बहुत बरसात हो गई है, बादल भैया आपने इतना पानी बरसाया है कि चारों तरफ क्या हो गया है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, पानी ही पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, जब हम परेशान हो जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं कि अरे बाबा मुझे तो मेरी नानी याद आ गई। उस प्रकार इस पानी के कारण हम सभी को क्या हुआ है, नानी माँ याद आ गई है। सारा घर दिन रात चूहा, अब देखो ये देख रहे हो आप, घर की जो छत है उस छत में से पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है, उसे चूहा ऐसे उन्होंने कहा है कि पूरा दिन और रात बारिश होने के कारण घर की छत में से देखिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर पानी चू रहा है, यानी टपक रहा है। जाए कहाँ, कहाँ पर खेले, बच्चों ने प्रश्न उपस्थित किया है कि इतनी बारिश के कारण हम कहाँ पर जाए, कहाँ पर खेले। घर में फंसे बोरियत झेले, घर में हम लोग बंद हो गए हैं, फंस गए हैं इस बारिश के कारण। जो पिंजरे में मौन सुआ, जैसे पिंजरे में पंछी को बंद कर देते हैं तब वो इधर उधर उड़ नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, उसी प्रकार हमारी भी कुछ हालत ऐसे ही हो गई है। तो घर में फंस कर हम लोग बोरियत यानी बोर हो रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, अब देखो हमें धूप कौन देता है, सूरज, बराबर है कि नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि सूरज दादा आप धूप खिलाओ यानी धूप लेकर आओ। ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। अब देखो ताल का अर्थ होता है तालाब और ये क्या है, नदी। तो सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि मानो तालाब और नदी यह यहाँ से ही बह रही है, ऐसा इस बारिश के कारण हुआ है। और कहा है कि भैया जरा तुम भी दुआ करो इस बादल से कि अभी बरसना बंद कहो। और फिर वह कहते हैं बादल भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ यानि अधिक, इतना हो गया है पानी ही पानी कि हम सारे लोग अभी तंग आ चुके हैं, तो अभी आप बरसना बंद कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या करना है, इस कविता को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है।